बाकी कोचेस भी देखी, इकॉनमी देख के तो मैं सरप्राइज ही हो गया कि भाई इतनी साफ डिस्पेंसर रखा हुआ है, पानी मिल रहा है, तो मजा आ गया। अभी ग्रीन लाइन ने एक विसल दिया है, उस सेकंड विसल की तैयारी है, इसके बाद इसका वैसे तो बहुत अच्छा लगा। ग्रीन लाइन की ट्रेन है, नई कोचेस हैं, नई सब चीज़ें हैं, साफ सुथरी ट्रेन है, हर चीज़ साफ है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस ट्रेन में बैठ के सफ़र करके, और मुसाफिरों को भी यकीन सफ़र मज़ा आता होगा। गार्ड हजरात, इसके अलावा बहुत अच्छा और बेहतरीन सफ़र ये देखने को मिला जब मैंने सफ़र किया था यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकेगी तो जितने भी भाई देखें सब ये अपना चाबियों से लॉक खोल देंगे, उसके बाद मुसाफिर अंदर आएंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से अपनी मंजिल पर। नूर भाई देखिए, हमारे ये टेक्निकल इंचार्ज हैं जो इस्लामाबाद तक इस गाड़ी में साथ जाएंगे। देखिए ये है पोलर कार, तो आज देखिए पूरा डिपार्चर दिखाएंगे आपको किस तरह से ग्रीन लाइन में अभी लोकोमोटिव एड होगा और फिर यहाँ से ये कोचेज जाएंगी अपनी मंजिल की तरफ। तैयारी तैयार है बिल्कुल इसमें सवार होने के लिए, जैसे ही गेट्स खुलेंगे मुसाफिर सारे आना शुरू हो जाएंगे। और एक शिकवा मेरा ये था कि पाकिस्तान रेलवे से कि जो एसी स्टैंडर्ड का किराया है वो बहुत ज़्यादा है, और अमूमन तकरीबन 100 से 150 कोचेज खाली जा, 100 से 150 सीटें खाली हैं। देखें तो देखिए ये भी इकोनॉमी क्लास है, उसके अलावा ये पावर वैन पुरानी वाली है। बावर भाई कैसा रहा? मज़ा आ गया, बड़े दिनों बाद आज फिर से जो है ना पुरानी एनर्जी जो आ गई अंदर। डिपार्चर दिखाया आपने आज? डिपार्चर दिखाया आज, ट्रेन के अंदर से बैठे, वॉशिंग एरिया देखा, ट्रेन के अंदर बैठ के उस एंड से यहाँ तक आए, ये पहला एक्सपीरियंस हुआ है मुझे लाइफ का, पहला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं न्यू चाइनीज ग्रीन लाइन 5 अप, इस वक्त कराची अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई जा रही है। मेरे साथ मौजूद है बावर भाई। बावर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? सर कैसी लगी आपको ये कोचेज? यार मुझे बहुत मजा आया कि मैं आज मैं बाहर से लास्ट टाइम आया था बाहर से देखी थी, लेकिन आज आप लोगों के साथ अंदर आके बहुत मजा आया, और इतनी सफाई सुथराई देख के, बाकी कोचेज भी देखी, इकॉनमी देख के तो मैं सरप्राइज ही हो गया कि भाई इतनी साफ डिस्पेंसर रखा हुआ है, पानी मिल रहा है, तो मजा आ गया। कब सफर करेंगे? या बहुत जल्द इंशाल्लाह, कोशिश मेरी है कि या तो रमजानों के आसपास या फौरन रमजानों के बाद कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट इस्लामाबाद। डायरेक्ट इस्लामाबाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, अपने चैनल पे एक सफर दिखाएं इस्लामाबाद तक का कि भाई जो आगे ये जो खूबसूरती है लाहौर के बाद। मेरा पूरा प्लान है कि इस्लामाबाद तक का दिखाएं, और हम आगे मेरा एक प्लान है कि मैं बाय बाइक जो है ना इस्लामाबाद से आगे ट्रैवल करूं। देखिए अभी मौजूद है बावर भाई, अपना बावर भाई के बाद बिलाल भाई। बिलाल क्या हाल है? बस शुक्र लगा। सर कैसा लगा आपको? वैसे तो बहुत अच्छा लगा, ग्रीन लाइन की ट्रेन है, नई कोचेस हैं, नई सब चीज़ें हैं, साफ सुथरी ट्रेन है, हर चीज़ साफ है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस ट्रेन में बैठ के सफ़र करके, और मुसाफिरों को भी यकीनन सफ़र मज़ा आता होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि साथ साथ हल हो जाएंगी। डिपार्चर भी दिखाएंगे लोकोमोटिव भी दिखाएंगे कि आज कौन सा लोकोमोटिव इसको लगेगा। देखिए मैंने इस्लामाबाद से सफर दिखाया था आपको, लेकिन मैं कराची नहीं आ सका, क्यों? जाहिर सी बात है बैक वर्क बंदा दो जगह नहीं हो सकता, तो आज मैं मौजूद हूँ अपना कैंट पर, तो वॉशिंग लाइन से अभी अब जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर पे, पहुंच गए प्लेटफॉर्म पर, लेकिन लोग खड़े हैं काफी, तो ये बहुत खुशाइन बात ये है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही इसको रवाना किया था, 1 पे इसका डिपार्चर भी हुआ था, और 1 से ही अब रेगुलर जाती है ये, क्योंकि तारीख ही आपका प्लेटफॉर्म है, तो अच्छी बात है ये। तो आज देखिए पूरा डिपार्चर दिखाएंगे आपको किस तरह से ग्रीन लाइन में अभी लोकोमोटिव एड होगा और फिर यहाँ से ये कोचेज जाएंगी अपनी मंजिल की तरफ। तैयारी तैयार है बिल्कुल इसमें सवार होने के लिए, जैसे गेट्स खुलेंगे मुसाफिर सारे आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले सोचा हमने कि हम पूरी वीडियो कवर कर लें। इससे मजे की बात ये देखिए, गेट तमाम लोग होते हैं, ये इस्लामाबाद से भी सिस्टम होता है और कराची से भी होता है, ऐसा नहीं कोई चढ़ जाएगा रास्ते में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकेगी तो जितने भी भाई देखें सब ये अपना चाबियों से लॉक खोल देंगे, उसके बाद मुसाफिर अंदर आएंगे। तो चले फिर वीडियो को मजे से आगे बढ़ा। 49004 और इस वक्त लग रहा है 5 अप ग्रीन लाइन के साथ, ये है GU 49004, और अभी इसका आपको डिपार्चर दिखाएंगे यहाँ से, आपको हम ग्रीन लाइन का डिपार्चर दिखाएंगे आपको गेंद से। अभी ग्रीन लाइन ने एक विसल दिया है, उस सेकंड विसल की तैयारी है, इसके बाद इसका देखें विसल हो गई है, और अब यहाँ से GU 49004 अपनी मंजिल की जानेब रवा दवा है, और 9004 इस वक्त देखें स्टार्ट हो गया है, 5 अप ग्रीन लाइन का सफ़र स्टार्ट हो गया। ये देखें असिस्टेंट ड्राइवर साहब ने लाइट दिखा दी है, ये देखें आप, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे जाके आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए किस तरह से इस गाड़ी का डिपार्चर पूरा हो रहा है, और 19 कोचेस पे मुश्तमिल ये गाड़ी इस वक्त अपनी मंजिल की तरफ, देखें लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर ग्रीन लाइन में और सफ़र कर रहे हैं गार्ड हजरात। इसके अलावा बहुत अच्छा और बेहतरीन सफ़र ये देखने को मिला जब मैंने सफ़र किया था यहाँ पर। देखिए ये भी इकॉनमी क्लास है, ये एसी स्टैंडर्ड आ गई, ये देखें आप,
अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से अपनी मंजिल पर। नूर भाई देखिए हमारे ये टेक्निकल इंचार्ज हैं जो इस्लामाबाद तक इस गाड़ी में साथ जाएंगे। देखिए ये है पोलर कार, ये बिजनेस क्लास। और एक शिकवा मेरा ये था कि पाकिस्तान रेलवे से कि जो एसी स्टैंडर्ड का किराया है वो बहुत ज़्यादा है और अमूमन तकरीबन 100 से 150 कोचेज़ खाली जा, 100 से 150 सीटें खाली हैं। देखें ये बिज़नेस क्लास है, ये फुल जा रही हैं तकरीबन, ये देखें ये भी बिज़नेस क्लास है। 19 कोचेस पे मुश्तमिल ग्रीन लाइन इस वक्त अपने मंजिल की तरफ डिपार्चर कर रही है। ये देखें आप, देखें ये है एसी स्टैंडर्ड। देखें ये भी देखें तकरीबन, देखें कुछ लोग बैठे हैं कुछ नहीं बैठे हुए हैं, देखें कुछ सीटें खाली जा रही हैं, कहीं पर 2 बैठे हैं कहीं पर 4 बैठे हुए हैं। देखें ये कोच भी आप देख सकते हैं तकरीबन, देखिए इसके अंदर 6 की होती है तो 4 बुक हैं, कहीं 5 बुक हैं, कहीं 3 बुक हैं, लेकिन ओवरऑल जितनी महंगाई चल रही है उसके हिसाब से किराया कम से कम इसमें 1000-1500 रुपये का रिलीफ मिलना चाहिए मुसाफिरों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा किराया है अमूमन। क्योंकि जब भी इसके अंदर ये सिस्टम हो रहा है कि यहाँ पर तकरीबन कोचेज़ जो आपकी खाली जा रही हैं, और लास्ट देखेंगे ये भी इकोनॉमी क्लास की कोचेज़ लगी हुई हैं, और ये जो सेक्शन है आपका पीछे वाला तकरीबन ये लाहौर में जब कट जाता है यहाँ से, तो देखिए ये भी इकोनॉमी क्लास है। इसके अलावा ये पावर वैन पुरानी वाली है, ठीक है, पावर वैन के बाद एक कोच लगी हुई है जो इकोनॉमी क्लास है। मैं कह रहा हूँ वहाँ वाला बंदा यहाँ नहीं आ सकता, वो इसका वॉशरूम बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी गाड़ी इस वक्त डिपार्चर हो गई और अपनी आज गाड़ी तकरीबन आधा घंटा लेट है। और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरी ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। देखें लाइटिंग से जगमगाती हुई ग्रीन लाइन इस वक्त अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। बावर भाई कैसा रहा? मज़ा आ गया, बड़े दिनों बाद आज फिर से जो है ना पुरानी एनर्जी जो आ गई अंदर। डिपार्चर दिखाया आपने आज? डिपार्चर दिखाया आज, ट्रेन के अंदर से बैठे, वॉशिंग एरिया देखा, ट्रेन के अंदर बैठ के उस एंड से यहाँ तक आए, ये पहला एक्सपीरियंस हुआ है मुझे लाइफ का, पहला हुआ है। और अभी इंशाल्लाह ताला हम लोग किसी दिन मॉर्निंग में आएंगे और ट्रेन को वॉश होते हुए दिखाएंगे। चलो ठीक है भाई, चले मैं।